क्यों हाँ दिल नहीं लगता ना अपने बिना। लल्लन मियाँ की जब तक कोई बातें ना सुने ना, खाना नहीं बचता लोगों का। आ गए तुम लोग भी, चलो अब आ गए हो तो सुनो भैया। अरे आओ हाँ आओ हाँ, बैठो बैठो बैठो। मियाँ क्या बात है, ये फर्नीचर एक्सपेशन लेके कहाँ घूम रहे हो? अरे एकता कपूर से मिलने गया था। एकता कपूर से? गलत बात है, गलत बात है। घर में दो तो इतने खूबसूरत बीवी है तुम्हारी, और तीसरे से मिलने जा रहा हूँ, गलत बात है ये। अरे काम के लिए मिलने गया था, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर है? क्या बनाती है? सास बहू के सीरियल बनाती है भाई। लल्लन मियाँ भोपाल जी को बोलते, लल्लन मियाँ भोपाल ये फोन करते, एकता कपूर यहाँ आ जाती, मीटिंग कर लेते। तुम जानते हो एकता कपूर को? लो मियाँ, एकता कपूर को मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा? एकता कपूर जब गाँव से आई थी ना, बहुत पहले की बात है ये बता रही हूँ आपको, जब गांव से आई हीरोइन बनने तो सबसे पहले अपने से टकराई, मिल गई, कहने लगे मैं हीरोइन बनूंगी, फोटो लेके ऑफिस ऑफिस घूमने लगी, सुबह शाम ऑफिस में घूमती, रात को अपने को मिलती, सुबह शाम ऑफिस में घूमती, रात को अपने को मिलती। अपन रोज कहते कि देख तू हीरोइन बनने के चक्कर में मत आ, लेकिन मानती नहीं थी। फिर एक दिन अपने कह दिया क्लियर क्लियर कि देख तू हीरोइन नहीं बन सकती तो प्रोड्यूसर बन जा। उसने भी अपनी बात मान ली, अपनी इज्जत रख ली, प्रोड्यूसर बन गई। रख ले ना, कितने सारे सीरियल बनाए, ऐसे वाले बना ले। अच्छा हाँ मियाँ, तुम एक बात बताओ, कि एकता कपूर साहबजादी जितेंद्र सर की, और वो इतने बड़े स्टार, वो ये प्रोड्यूसर है, सास बहू के सीरियल बनाती है, और यही बॉम्बे में पैदा हुई, इतना पैसा है, वो गांव से यहाँ पे क्यों आएगी? मालूम है कि एकता कपूर गांव में से यहाँ नहीं आई थी, वो यहीं पर पैदा हुई थी। उसके पिताजी बहुत बड़े एक्टर है, बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, बहुत पैसा उनके पास, सब मालूम है अपने को। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ। गलत कह रहा हूँ ना मियाँ? जब एकता कपूर बम्बई में पैदा हुई तो गाँव से क्यों आई? जब एकता कपूर के पास पैसा है तो वो स्ट्रगल क्यों करेगी? जब उसके पिताजी इतने बड़े स्टार है, प्रोड्यूसर है, तो उसकी पहचान भी इंडस्ट्री में, फिर वो स्ट्रगल क्यों करेगी? गलत बोल रहा है तुमका? देखो अपने को इस तरह की बातें पसंद नहीं कि किसी के बारे में भी आप गलत गलत बोलो। अपन दोस्ती मोस्ती तोड़ लेंगे आज के बाद तुमने किसी इस तरह की बातें करी। अच्छा खासा मैं एकता कपूर को बुला के आपकी मीटिंग करवा रही, आप अपना मूड खराब हो गया, आप मुझे बुलाऊंगा, और आज के बाद अगर आपने एकता कपूर के बारे में कुछ बोला ना तो फांसी की सजा सुना दूंगा आपको। तुम तो बुरा मान गए, तुम तो एकता कपूर नहीं नहीं दो दिमाग चलेगा तो फिर सोचूंगा कि मिलाना इतनी मिलाना। मूड खराब कर दिया तुमने एकता कपूर के बारे में ऐसा बोल के। चलो जाओ पान ले जाओ। पान? हाँ पान चूने वाला, दिमाग चलेगा ना। अच्छा जल्दी मत, जल्दी आइयो। बाप रे बहुत चालू लौंडा, पता नहीं इसके मदर फादर ने क्या खा के इसको पैदा किया, सब कुछ मालूम है इसको। ये तो अपने ऊपर ही चढ़ जाता, वो तो खा अपना दिमाग एन टाइम पर काम कर जाता है तो इसके ऊपर फसीहत कर देते, वरना ये तो अपने लोग को जीत पाया क्या मियाँ? लल्लन मियाँ भोपाली तो को जीत पाया क्या? तब तो ये जीत लेगा, ऐसे तो कई आए गए हैं मियाँ। लल्लन भोपाली आप बड़े होकर जरूर कुछ करोगे भाई।